या रहमत लिल आलमी, या रहमत लिल आलमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हमदलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिल फला हादियला, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ो समा मुदब्बिर सो जहां है, और हज़ारों दुरूद उसके नबी मुख्तरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और आजकल जो आपके पास मुबारक दिन और मुबारक महीना और मुबारक लम्हात जो गुजर रहे हैं उनमें खूब अजर व सवाब पाने की कोशिश कर रहे होंगे, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दिन रात दुरूद भेज रहे होंगे। अगर कहीं किसी जगह में कमी आ गई है तो इजाफा कर दीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद आपकी ज़ुबानों से निकला हुआ आपके ऊपर रहमतें बरसाने का सबब बन जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर बेशुमार दुरूद भेजिए, इसलिए कि आप बेशुमार रहमतों के हकदार बन जाएंगे। बात आज हम करेंगे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बतों की, हुब्बे रसूल की। हुब्बे रसूल क्या है? बड़ी अच्छी सी बात लगती होती है। हमने माना हुस्न यूसुफ जमाने में सिवा ठहरे, मुकाबिल मोहम्मद मुस्तफ़ा के भला कैसे कोई आ ठहरे। मुकाबिला हुस्न यूसुफ का भला खत्मुल मुरसल से, वो महबूबे जुलेहा थे ये महबूबे खुदा ठहरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्तबा और मुकाम दिया है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात अक़दस को, ये हक है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से मुहब्बत करें। हुब का जो माना और मोहब्बत का जो माना होता है, हुब एक जज्बा होता है, मोहब्बत एक जज्बा होता है जो दिलों में बसता है, और उस जज्बे के तहत दिल तब्दील होते हैं, दिलों के अंदर तब्दीलियां आती हैं। अगर आपको मोहब्बत है तो मोहब्बत अगर दिलों को तब्दील नहीं करती तो ये सिर्फ अल्फाज हैं, फिर वो हुब का जज्बा नहीं है। अगर मोहब्बत है, अगर हुब्बे रसूल है, तो अल्लाह के बंदे जो हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से मोहब्बतें करने वाले, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के रंग में रंग जाते हैं। बड़ी अच्छी सी बात लगती होती है। जाहिद तुझे मालूम नहीं अंदाजे अकीदत, सर खुद बहुत झुकता है झुकाया नहीं जाता। जब दिलों के अंदर मोहब्बतें जागुजीन हो जाती हैं तो दिल तब्दील हो जाते हैं। सबसे पहले और आसान मामला यही है कि अगर आपके दिल तब्दील नहीं हो रहे, दिलों के अंदर आताते रसूल नहीं आ रही, दिलों के अंदर कह लीजिए सुन्नते रसूल शामिल नहीं हो रही, दिलों के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रसूल जो है वो जगह नहीं पा रही, तो इसका मतलब है ये अभी सिर्फ जुबानी कलामी है, अभी दिलों के अंदर जागुजीन नहीं हुआ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए
जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आए। उसके बाद फरमाया, खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। 3 बार ये अल्फाज जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए और फरमाया, खुशखबरी है उनके लिए जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान ले आए। और आप जानते हैं हम सब उन्हीं में शामिल हैं कि जिन्होंने आका करीम को देखा भी नहीं है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान का तकाजा, अल्लाह के कुरान के ऊपर ईमान का तकाजा, अल्लाह के कुरान की अताअत का तकाजा क्या है? अल्लाह व अतीउर रसूल कहता है, अल्लाह की अताअत कीजिए और अल्लाह के रसूल की अताअत कीजिए। तो आपके लिए वही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस जिस अताअत की हकदार है और जिस कह लीजिए मोहब्बत की हकदार है, हमसे वो हक अदा नहीं हो रहे और हम उनको जान नहीं रहे, जांच नहीं रहे या उसको याद नहीं रख रहे। इसलिए कि मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसको सुबह शाम दिन रात किसी भी लम्हे ना अपनी याद से, ना अपनी सोच से और ना अपने अमल से ओझल होने दिया जाए और ना अपनी जिंदगी से कह लीजिए उनके तरीक़ाकार को ओझल होने दिया जाए। ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके ऊपर पूरा कुरान उतरा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब कुरान कह दे अलम नशरह लका ज़िक्रक, अलम नशरह लका ज़िक्रक वर अलम नशरह, ये अल्फाज थोड़े से देख लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अनका बिसरक अल्लज़ी अनकज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। कुरान की आयात जिनके ऊपर उतरती हैं और कुरान कहता है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और कुरान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ चाहे यासीन, चाहे तौहा, चाहे वल्लैल, चाहे या अय्युहल मुद्दसर या अय्युहल मुज़म्मिल की सूरत में कर दे, ये कह लें कि उनका हमारे ऊपर हक कितना है कि हम उनकी अताअत कैसे करें और हम उनकी बात कैसे माने। वो ज़ात जिनके लाए हुए कानून के तहत मुसलमान के अंदर जो भाईचारा है वो कायम हुआ, जिनके लाए हुए कानून के तहत मुसलमान के साथ निकाह आपका जो है वो आसान और जायज हुआ, जिनके लाए हुए कानून के तहत आप बाप के माल में और वरासत में आप वरसा बने, जिनके लाए हुए कानून के तहत मुसलमानों के माल के ऊपर मुसलमानों के हक ज़कात और सदकात की सूरत में कह लीजिए लगाए गए, जिनके लाए हुए कानून के तहत आपका माल और इज्जत दूसरे मुसलमान उसके मुहाफिज बने, और ये कह लीजिए कि वो ज़ाते अक़दस जिनका लाया हुआ कानून हमारे लिए दुनिया और आहरत की कामयाबी की दलील और कामयाबी बन के आया, क्या हम उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे और मोहब्बतों के जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा नहीं करेंगे? एक छोटी सी मिसाल दी जाती है, अगर कोई आका किसी गुलाम को ये हुक्म दे कि वसाइल तुम्हें मैं मुहैया करता हूँ, सारे वसाइल असबाब तुम्हें मुहैया किए जाएंगे और तुम्हारे लिए एक अमारत है, तुमने वो बनानी है, इस अमारत का नक्शा जैसे मैं बताऊं वैसे बनाना, जो रंग मैंने बताए हैं उन्हीं रंगों से इस अमारत को सजाना, जहां जहां जो जो फल फूल और जो जो पौधे मैं बताता हूँ और जिस जगह पे बताऊंगा वहां वहां लगाना, और कुछ अरसा के बाद जब मैं वापस लौट के आऊंगा, जब तुम अपना ये काम मुकम्मल कर चुको तो जब तुम मेरे पास आओ तो फिर मैं तुम्हें इसकी मजदूरी भी दूं और इसके ऊपर इनाम इकराम भी दूंगा। अब ये कह लीजिए वो जो आका ने जिसको हुक्म दिया था, वो जो आका की गुलामी करने वाले गुलाम और बंदगी करने वाले बंदे थे, उन्होंने क्या करना था? उन्होंने जिस तरीके से वो एक कह लीजिए वो पूरे का पूरा नक्शा दिया गया और जिस तरीके से वो कानून लिख के दिया गया उसी तरीके से उस इमारत को बनाना था। अब उस बंदे ने जो मोहब्बतें उसके अंदर हैं
उन मोहब्बतों से जो चीज़ें उसे पसंद हैं वो उसी तरीके से उस इमारत का नक्शा चेंज करने लग गया, उसी तरीके से रंग जिस तरीके से उसको बताए गए थे वो अपनी मर्जियों से रंग लगाने लग गया। मेहनत तो उसने की, शब और रोज करता जा रहा है और अपनी मोहब्बतें भी डाल रहा है, लेकिन अपनी मर्जियों से जो वो चाहता है उस तरीके से उस घर को सजाता और संवारता है। जहाँ पे कह लीजिए मालिक ने सफेद दीवारों का कहा, उसने स्याह दीवारें कर दी, मालिक ने क्रीम फर्श का कहा, उसने ब्लू फर्श कर दिए। इसी तरीके से जो फल फूल मालिक ने कहे थे लगाने के लिए, उसने उसके अपोजिट वहां पे संगरेजे बिछा दिए। वो अपनी मेहनत तो कर रहा है, अपनी मोहब्बतें भी जता रहा है, वक्त भी दे रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से उसने वो इमारत तमीर की। जब आका वापस आया है तो आप क्या समझते हैं कि टाइम तो उसने दिया था गुलाम ने और मेहनत भी की थी, लेकिन आका ने जो उसके लिए जो नक्शा दिया था, जो तरसे तमीर सिलेक्ट किया था, जो रंग सिलेक्ट किए थे, अगर उसके मुताबिक नहीं है तो क्या उसको इनामो इकराम मिलेंगे, या कह लीजिए मजदूरियों से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं कि तुम्हें इनामो इकराम क्या मिलेंगे, तुमने तो जाया कर दिया सारा। यही कह लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक इमारत दी है जो दीन की इमारत है, जो सुन्नत की इमारत है, जो हदीस रसूल और कह लीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की इमारत है। वो आखिरी ईंट जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इमारत बनाई गई है, उस इमारत की आखिरी ईंट मैं हूँ जिससे वो इमारत मुकम्मल होती है और खूबसूरत होती है। इसलिए आगे दो जहां का जो तर्ज तमीर और जो तरीका और जो असलूब और जो इबादत करने के असलूब सिखाए गए हैं, उनके साथ हम मोहब्बत की और इश्क की और अकीदत की इमारतें बनाएं तो आकर राजी हो जाएंगे और कह लीजिए इनाम इकराम भी मिलेंगे। हम अपनी मर्जियां, इस्लाम का मानी ही ये होता है कि हम अपनी मर्जी को छोड़ देते हैं, हम अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के हबीब के तरीके को अपना लेते हैं। मेरी मर्जियां, मेरे तरीके, मेरी सोचें, मेरा इल्म, मेरा अकल, मेरा तजर्बा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के आगे कोई अहमियत नहीं रखता। आका दो जहां को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुअल्लम आजम बना के भेजा। कह लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कहता है कि आप अपनी मर्जियों से नहीं बोलते हैं, ला यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिशों से नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको वही की जाती है, जो अल्लाह का हुक्म होता है और जो अल्लाह पसंद करते हैं। मेरे नबी की बात जुबान हक बोलती है, हक के सिवा कुछ नहीं बोलती। इसलिए हमारे पास सबसे आला और अरफा जो बात और जो तरीका और जो असलूब है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अलामा इकबाल ने बड़े अच्छे से अल्फाज लिखे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बतें करेंगे तो मुहब्बतें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके सिखाए गए हैं उन तरीकों के मुताबिक करेंगे तो तब तो वो कामयाब तरीन हैं। और अपनी मर्जियां और अपनी अकल दनाई और अपनी सोचों को शामिल करेंगे तो ये कह लीजिए नाकुस भी हो सकती हैं और उसमें नाकुसपन का मामला जो है वो ज़्यादा आपको मिलता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मिलते होते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जब अंबियाए कराम को भेजा है उनके साथ कुछ ना कुछ जमातें हुआ करती थी जो अंबियाए कराम की बात मानते, अतात करते, चाहे कह लीजिए हजरत ईसा अलैहि सलाम की बात को ले लीजिए, उनके साथ जो फॉलो करने वाले थे हवारी कहलाते थे, हजरत ईसा अलैहि सलाम की तालीम को मानना और हजरत ईसा अलैहि सलाम के लाए हुए तरीके से मुहब्बतें करना और इत्तबा करना, ये उनके तरीके होते थे। जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा कहलाते हैं, सहाबी होते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल और जान से मोहब्बतें करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीकों से दिल और जान उस तरीके पे निछावर कर देने वाले। आपने ये अल्फाज तो सुने हुए हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के अल्फाज हुआ करते थे, फिदा उम्मी व अब्बी या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। तो ये कह लीजिए माँ बाप के जो रस्म व रिवाज क्या, ख्वाहिशें मर्जियाँ क्या, उनका मर्तबा मुकाम क्या, ये आपकी शरीयत, आपकी तरीकत, आपकी सुन्नत आपके ऊपर कुर्बान हो। तो ये उन्होंने करके भी दिखाया, ये सिर्फ जुबान के अल्फाज नहीं थे।
तो इसी तरीके से जब मोहब्बतें करने वाले यानी तकाजा जो हम कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, उनका क्या है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे पहले अंबिया कराम के भी कुछ साथी कुछ जमातें हुआ करती थी जो अंबिया कराम के तरीके और तालीम को अपना लिया करते थे, इसी तरीके से बाद में क्या होता गया, बाद में अंबिया कराम के रुख्सत हो जाने के बाद और वो जो जमातें जो अंबिया कराम की सही तरीके से उनके तरीकों को इत्तबा करने वाली थी, उनके रुख्सत होने के बाद कुछ नाखल्फ ऐसे आए, वो क्या करते थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो कहते थे वो करते नहीं थे और जो करते थे उसके ऊपर हुक्म नहीं था। ये बात बड़ी जानने वाली है, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं उसके ऊपर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना हो। इसलिए कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा तस्दीका रवायत करती हैं कि हर वो काम जिसके ऊपर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, उसकी तस्दीक नहीं है, उसकी मोहर नहीं है, उसके बारे में आपको हुक्म नहीं दिया गया, तो वो रद्द कर दिया जाता है, फहुव रद्दुन, उसको रद्द कर दिया जाता है। इसलिए आपको एक बड़ा खूबसूरत सा सांचा दिया गया है, वो सांचा सुन्नत रसूल का दिया गया है आपके पास। आप जानते होते हैं कि अपने अमाल को, अपने तरीकों को, अपनी अकीदतों को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत और मोहब्बत और अकीदत के सांचे में चेक कर लिया कीजिए। अगर तो आपका अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में पूरा उतरता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वही तो अमल है जिसका हुक्म दिया गया। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके, लाए हुए सांचे पे हमारा अमल जो है वो नहीं उतर रहा, उसमें नहीं बैठ रहा, उसमें पूरा नहीं आ रहा, तो फिर अपनी इसलाह कर लीजिए। अल्लाह के कुरान में जब बार बार हुक्म दिया जाता है कि अल्लाह की अताअत कीजिए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सूरह मोहम्मद की भी आयत आती होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु आमालकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत कीजिए, अल्लाह के रसूल की अताअत कीजिए और अपने आमाल बातल ना कर लीजिए। ऐसा ना हो कि हम रस्म व रिवाज को और कह लीजिए ये सुनी सुनाई बातों को अपनाते और चलाते फिरें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पीछे रह जाएं। बड़ी तकलीफ देह बात लगती होती है, ये उम्मत रवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये मामला बड़ा जानने वाला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाजे ये हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपना लिया जाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके चाहे खुशियां मनाने के हों, चाहे गमियां गुजारने के हों, चाहे कह लीजिए जिंदगी गुजारने के हों, चाहे मईशत और मुआशरत के हों, चाहे ओढ़ने और बिछोने के हों, हमारे पास वही तरीका होना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अल्लाह के नबियों की बात जो होती है वो बातों की इमाम होती है, इसलिए अंबियाए कराम जो हमारे लिए सुन्नत और तरीका लेके आए हैं उस तरीके को अपना लीजिए, उससे जान दिल से मोहब्बतें कीजिए, जिनसे मोहब्बतें होती हैं उनके तरीके जो हैं और उनके रंग जो हैं उनके रंग में रंग जाना ही आपके लिए ये खूबी होती है। और हमारे लिए कुरान ने भी बताया था कि अल्लाह के रंग में रंग जाइए, उससे बेहतर किसका रंग होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए अपने हबीब का रंग चुना है, अल्लाह के रसूल के रंग चुने गए हैं, तो उन रंगों में रंग जाना, उन रंगों के मुताबिक अपने आप को रखना, तो ये मामला जो है वही कह लीजिए कि हमारी बात और हमारा मामला क्या है। हम तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तो आसमान पे की जाए, कुरान करे तो वही कह लें कि हमारी क्या औकात हम उनकी वो शान बयान कर सकें जिस शान के लायक है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे जुमले लगते होते हैं कि तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर है मैं भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा, तू को जा मन को जा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो वो चाहें भी तो उस तरीके से आपकी
वो शान बयान नहीं कर सकते, वो मोहब्बतें नहीं कर सकते जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाई और जिस तरीके से आपके साथियों ने आपसे वो मोहब्बतें की। हम तो कोशिश कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें उन रास्तों पे चलाए जो आपके पसंदीदा रास्ते हैं और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन रास्तों को महबूब रखता है और जो रास्ते हमारे लिए चुनेंगे कि अल्लाह के हबीब की इत्तबा कैसे की जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें कैसे की जाए, यही कोशिशें करना है। और कुरान पूरा हमें सिखा रहा है कि हुब्बे रसूल क्या है और मोहब्बत की कैसे जाती है। जो हमारे पास कलिमा है वो कलिमा ही इस चीज़ की दलील है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, उसकी इबादतों में किसी को शरीक नहीं ठहराते, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीके सिखाने के लिए आए हैं, जो इबादत के तरीके सिखाते हैं, वो तरीके हमारे लिए जब ज़िंदगी का हिस्सा बने तो कलिमा मुकम्मल तब होता है जब इबादत अल्लाह की और अतात रसूलुल्लाह की जमा होती है, तो तब कह लीजिए कलिमा गो मुसलमान और मोमिन बन जाता है। जब कलिमा हमारे असलूब को तब्दील नहीं करता तो फिर वही कह लीजिए जुबान से अल्फाज जारी होते हैं लेकिन उस तस्दीक को इस ईमान को मुकम्मल करने के लिए ईमान बिल लिसान, ईमान बिल कल्ब, ईमान बिल अमल, ये तीनों ईमान इकट्ठे हों तो तब ईमान मुकम्मल होता है। ऐसा ना हो कि हमारी जुबान सिर्फ इकरार करती रहे लेकिन दिल उसकी तस्दीक ना करे या अमल उसकी तस्दीक ना करे। जब जुबान इकरार करे और फिर दिल उसकी तस्दीक करे और फिर अमल उसकी तस्दीक कर दे तो तब कह लीजिए ईमान मुकम्मल होता है। और वो ईमान मुकम्मल कलिमा पढ़ने वाला जब तक अपने रब तनहा वाहिद वहदहू ला शरीक की इबादत बगैर किसी शिर्क के ना करे और जब तक अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात दिलो जान निछावर करके ना करे, कलमे का हक अदा होता नहीं है। कोशिश करनी है, हमने कलमे को भी समझना है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बतें हैं तो फिर हमारे हर तरीके में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को झलकना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के शबो रोज़ में तारी रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए, तो तब कह लीजिए ये मोहब्बत जो है उसके तकाजे पूरे होते हैं। बाज मामलात बड़े अच्छे से आपको लगते होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़ाते अक़दस का हर पहलू आपके सामने जो है वो कामिल तरीन कह के भेज दिया, चाहे आपके अहलाक की तारीफ कुरान कर दे। हज़रत आयशा तस्दीका ने फरमाया था जब कोई एक साथी आए थे पूछने के लिए कि ऐ उम्मत की माँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहलाक कैसा है, हज़रत आयशा तस्दीका ने फरमाया था क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा। उन्होंने जवाब दिया कुरान को पढ़ा है। हज़रत आयशा तस्दीका फरमाती हैं आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहलाक कुरान की दलील था। कह लीजिए कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीकत और सीरत है। तो ये अगर हमें मोहब्बत रसूल है तो फिर हमारे तरीके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा होगी, पैरवी करने वाले होंगे। आप जानते हैं ना पैरवी करने वाले किनको कहा जाता है, पैरोकार कौन होते हैं, जहाँ जहाँ पे जिस जिस मौका पे पैर रख के गुजरा गया हो उन्हीं निशानात के ऊपर पैर रख के गुजरने वाले पैरोकार होते हैं, पीछे चलने वाले होते हैं, नई मंजिलें और नए कह लीजिए रास्ते और नई राहें बनाने वाले नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पीछे पैरोकारी करने वाले। तो ये कह लीजिए कि हमारे पास जो हर पहलू के ऊपर किसी भी पहलू के ऊपर अगर निगाह दौड़ाइए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आपको मिलता है। दुनिया का कोई पहलू देख लीजिए, मुअल्लम देखना है तो मुअल्लम आज़म अस्हाबे सुफा के मुअल्लम को देख लीजिए, सफ़े सलार देखना है तो बदर के सफ़े सलार को देख लीजिए, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। दोस्त देखना है तो वही कह लीजिए उस यारे गार के दोस्त को देख लीजिए। अगर आपने शहरी देखना है तो वो औरत
वो जो बूढ़ी सामान उठा के जा रही थी, वो उसके साथ चलने वाले उस कह लीजिए मुअल्लम और उस मुअज्जज शहरी को देख लीजिए, जिसने शहरी होने के नाते उसका बोझ उठा लिया था। तो ये कह लीजिए कि आपके सामने हर हर जात का हर हर पहलू जो है आपके पास मौजूद है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपनाते हैं, उनको अपनाते जाएं और दुरूद पाक को अपनी जुबान से जारी कर दीजिए। यकीन मानिए सुबह शाम थोड़े हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और जात का हक हमारे ऊपर ज्यादा है। दुरूद पढ़ते जाइए। अभी एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हुब्बे रसूल के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बतों के बारे में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकी तालीम हो, चाहे वो मुआशी तालीम हो, चाहे वो मुआशरती तालीम हो। अगर मोहब्बतें हैं तो मोहब्बतें तो यही तकाजा करती हैं कि फिर हम अपने आका के रंग में रंग जाएं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलूब थे, वही हमारे लिए जो मामलात हैं उन्हीं के ज़रिए से हम कह लीजिए आका के करीब हो जाएं, आका का क़ुर्ब पा लें। जो रब को मेरे कबूल हों, वही काश मेरे उसूल हों, वही काश मेरे उसूल हों। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले, ऐसे ही हमारे जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसूल बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक, कुरान की तारीफ देख लीजिए, और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की ज़ुबान से सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि जितना जिंदगी का सफर मुश्किल तरीन गुजरा था, बाप दुनिया से रुखसत हो गया तो तब दुनिया में तशरीफ लाए, अभी बहुत छोटी उम्र थी तो माँ दुनिया से चली गई। फिर कह लीजिए आपका जो जितना सिलसिला पीछे जब आप तारीख का पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से जिंदगी को गुजारते गुजारते किस मंजिल पे पहुंचे। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे। आपके चेहरे मुबारक के ऊपर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। आपके इखलाक ऐसे थे कि वही कह लीजिए कि जिसकी तारीफ अल्लाह का कुरान करता है, मजाज में इतनी शगुफ्तगी और इतनी नरमी थी। हमने देखना यह है कि हमें बाज़ दफ़ा हालात और वाक़यात बड़ा तल्ख सा बना देते हैं, हमारी ज़ुबानों को बड़ा तुर्श कर देते हैं, हमारे इखलाक जो हैं वो बड़े तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो तो ये है कि चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें रखिए, ज़ुबानों में नरमियाँ रखिए, लोगों के साथ आसानियाँ रखिए। ये तालीम लेनी है हमें, अगर हमें आका से मोहब्बतें हैं तो फिर हमारे हुलिये कौन से हों जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे। इसी तरीके से अगर रुफका के साथ है तो इतनी मोहब्बतें हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही फरमाते होते हैं कि हम में से हर कोई यही समझता था कि मेरे नबी मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कि इतना साथियों को मुकाम देना, इतनी मोहब्बतें और एहतराम देना, और इतनी कह लीजिए उनके साथ चाहतें रखना, उनके साथ खैरखाइयाँ रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब भी बात करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और ये तरीक़ाकार था कि जब कोई साथी बात करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी गर्दन को मोड़ के जवाब नहीं देते थे, अपना पूरे का पूरा रुख उस तरफ कर लिया करते थे। क्या तरीके थे और क्या कह लीजिए जो दुरुस्तगियां करने वाले और जो आपके साथ हुस्ने सलूक नहीं करते थे उनके साथ भी जवाब कौन सा हुस्ने सलूक का दिया करते थे।
एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। यासीन बेटा, मैं मिसेस मलिक बोल रही हूँ। रबी अव्वल बेटा मुबारक हो आपको और आपकी फैमिली सारे इस्लाम चैनल को। बहुत सी दुआओं के साथ मेरे बच्चे, तो मैंने फोन किया बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, हॉस्पिटल से आई हूँ, तो मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला इस भाई से रहमत महीने दी बाबरकत दिन मेनू शफा दे, चल दिया फिर दिन ले जाए दुनिया। मेरे बच्चिया भी बेटा बहुत दुआ करना, दुआवां ते याद रखना, ते दूर दे पाक दी ते कसरत या महीने विच जिन्ना भी हो सके ओना ही पढ़ लै। बाकी बेटा असीं अज मस्कीन जे बंदे आ, अज ही ये बस अगो मंजूर करने वाला उपर बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, दुआवां ते याद रखियो अपनी फैमिली वास्ते, अपने बच्चिया लई, सब लई बहुत दुआवां ने तुहाडे लई पुत्तर। सारे प्रोग्राम देखनी आ पर नंबर नहीं मिला सकती, मुश्किल है कि मैं हर प्रोग्राम च फोन नहीं कर सकती। ओके बेटा, अल्लाह तुम जजा दे, अल्लाह दी रहमत होनी सारे इस चैनल से, सारे अमले से। ओके मेरी बच्ची, अल्लाह हाफिज़ी, मान अल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला आजला दे, अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ और आसानियाँ फरमा दे। दुरूद पाक की आप बात कर रहे थे, ये सिर्फ इस महीने के लिए नहीं है, दुरूद पाक तो हमारी सांसों से जारी रहना चाहिए। वो नबी की शान और वो नबी की ज़ात जो जिस मुकाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बिठाया है, वही कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान में मर्तबा और मुकाम उनको दिया, और जो हबीबे किबरिया की शान है वो कह लें कि हमारे पास वक्त थोड़े हैं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजना जो है वो ज़्यादा हमें चाहिए। और जितना भी आप कर सकते हैं, आप सुबह शाम पूरा साल दुरूद भेजा कीजिए, सिर्फ एक महीने की बात नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है हमारे ऊपर, हम अपनी ज़िंदगी के सारे माहों साल में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक उन पर पढ़ें। जी, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, क्या पूछेंगी? अल्लाह का शुक्र है, मुश्किल आए हुए हैं तो आपसे मैंने दुआ की, आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ, और आपके लिए जो आपकी बातें, आपका अंदाज बताने का बहुत अच्छा है, बहुत नरम है। अल्लाह आपको इसका अजर दे अपनी शान के मुताबिक। और काफी अरसे से मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ लेकिन कॉल नहीं कर सकती, फर्स्ट टाइम आपको मैं कॉल कर रही हूँ, तो बस ये दरख्वास्त है आपसे कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, अल्लाह करीम हमें एक दूसरे की मोहब्बतें अपनी रजा के लिए दे, अल्लाह पाक हर किस्म के दिखावे रियाकारी से बचा के रखे और हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात कर रहे हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दुरूद भेजने के लिए, कि आपने यही, आप जब कुरान को पढ़ते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते हैं, तो वो ज़ात जो आपके लिए हर वक्त दुआएं, आपने हदीस मुबारक पढ़ी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुआ दी है जो दुआ उनकी कबूल होने वाली है, तो सब अंबियाए कराम ने दुआएं दुनिया में मांग ली हैं, मैंने अपनी उस दुआ को महफूज रखा है ताकि मैं क़यामत के उम्मत के लिए वो दुआ मांगू। एक और बात मुझे बड़ी अच्छी सी लगती होती है, आप जानते हो माशर के दिन जब सारे के सारे लोग, सारे के सारे इंसान पुल सरात से गुजर रहे होंगे, तो ये कह लीजिए आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पुल सरात से गुजर के तो उसके एक तरफ खड़े हो जाएंगे, और जब भी कोई पुल सरात से गुजरने लगेगा, जब भी कोई कदम रखेगा, आकाए दो जहां उसके लिए दुआ फरमाएंगे। सारे के सारे इंसान, हर किस्म के जितने इंसान हैं सब की बात हो रही है, इतनी देर खड़े रहना और खड़े रह के इन लोगों के लिए दुआ मांगना, क्या दुआ मांगेंगे? रब्बी सल्लिम, ए अल्लाह इनको बचा ले, ए अल्लाह इनको सलामत रख, ए अल्लाह इनको महफूज रख, ये दुआ मांगते जाएंगे जब तक कि आखिरी बंदा भी पुल सरात से ना गुजर जाए।
तो ये कह लीजिए कि हम तो ये इतनी सी मोहब्बत का भी हक नहीं अदा कर सकते अगर हम सारी जिंदगी भी दरूद पढ़ते रहें तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें सिर्फ एक महीने की मोहताज नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते की मोहताज नहीं है, सिर्फ एक तारीख की मोहताज नहीं है, हमारी जिंदगियां थोड़ी हैं हमारे आका से मोहब्बत करने के लिए और आकाए दो जहां के ऊपर दरूद पढ़ने के लिए अपनी जुबानों से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दिन रात दुरूद पढ़ा कीजिए, दुरूद को जारी रखा कीजिए। बड़ा छोटा सा मामला, थोड़ा सा वक्त है, लेकिन ये इंस्टेंट अमल है रहमतें हासिल करने के लिए। अगर आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, अगर आप कह लीजिए किसी वजह से अपने आप को लोनली या तनहा समझ रहे हैं या किसी किस्म का आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत नासाज या डिप्रेशन हो रहा है, यकीन मानिए यही विर्द और यही वजीफा है। दुरूद पाक को पढ़िए, दुरूद पाक के पढ़े जाने से ही आपका ये ऐसा अमल है, आप जानते हैं कई नेकियां ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ हो सकता है कबूल हो और हो सकता है कबूल ना हो। दरूद पाक वो वाहिद अमल है जिसको कबूलियत के दर्जे पे ही रखा गया। तो ये कह लीजिए कि आप अपनी जुबान से हर वक्त दरूद को जारी रखिए। एक कॉलर मौजूद है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान नईमा बहन, आप सुनाए कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद दूर। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तो आप सबको रब्बुल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह ताला आपको आपके वालदैन की आंखों की ठंडक बनाए रखे, तो हमें दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, जज़ाकिल्ला। अल्लाह करीम आपके लिए खैर के दरवाजे खोल दे, अल्लाह करीम हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मानों में मोहब्बत करने वाला बनाए, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेके चलने वाला बनाए, हमें सुन्नत को उड़ने बिछोने वाला बना दे। तो अल्लाह से दुआ है आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सारे हमारी दुआओं में शामिल होते हैं। अल्लाह करीम, हमारी तो नमाजें ही मुकम्मल नहीं होती जब तक ईमान वालों के लिए दुआ और अल्लाह के कह लीजिए मोहब्बत करने वालों के लिए दुआ उसमें शामिल ना हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि ये जिस मोहब्बत से हम बैठते हैं और ये जो बाबरकत दिन हमारे पास हैं, इन दिनों को भी हम कह लीजिए ऐसा रिमाइंडर लें कि ये जो काम आजकल हम शुरू करेंगे, चाहे सुन्नत का रोज़ा रखें, चाहे सदका हैरात करें, चाहे कह लीजिए आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे जो जिक्र करना है, या कह लीजिए वो जिक्र इस तरीके से होता है कि आप उनकी सुन्नत को आबाद कर दें। आपने पढ़ी थी एक हदीस मुबारिका, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई मेरी गुमगश्ता सुन्नत को आबाद करे उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो ये कह लीजिए इतनी ही सुन्नतें हैं जो हमारी जिंदगियों से दूर हो चुकी हैं। कोशिश करें कि ये जो रिवाइवल आपके पास आता होता है, यहाँ पे जो सुन्नत आप पिछले साल नहीं कर रहे, इस साल उसको अपने अमल में जारी कर लीजिए। और उनमें से बड़ी खूबसूरत सी सुन्नत जो है वो कह लीजिए कि जो आपके रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक वो मिसवाक का करना भी है, ये भी हम अक्सर मॉडर्न दौर में आते जा रहे हैं और उस सुन्नत को भी भूलते जा रहे हैं। तो इस सुन्नत को भी अपना लीजिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब सुन्नत है। फरमाते हैं अगर लोगों के ऊपर ये गिरा ना होता या लोगों के लिए मुश्किल ना होती तो मैं सबको कहता कि हर नमाज से पहले मिसवाक किया कीजिए। तो ये कह लें कि कई चीजें ऐसी हैं जो हम उनको भूलते जा रहे हैं और यूँ कह लीजिए कि हमारा मामला जो है उससे दूर होता जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीका कार है, जो सुन्नत हमारे लिए चुनी गई, जो सिलेक्ट की गई, जो पसंद की गई, उस सुन्नत को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मौलाना रूम की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती होती है, फरमाते हैं अगर तुम्हारा आज तुम्हारे गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो तुम्हारी उम्र जाया हो गई, तुमने वक्त जाया कर दिया। अगर तुम्हारा आज जो है गुजरे हुए कल से बेहतर है तो इसका मतलब है तुम ग्रो हुए हो, तुम बड़े हुए हो, तुम आगे बढ़े हो। हमने देखना ये है कि क्या हमारा पिछला साल जो था, ये अभी जो साल आया है, ये उससे बेहतर हुआ कि उसी तरह की रूटीन में है? अगर उसी रूटीन में है तो फिर तो कह लीजिए हम बड़े नहीं हुए, उधर के उधर ही खड़े हैं। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है और बड़े होना है
तो फिर आप जो कल तरीके कर रहे थे आज उसमें इजाफा कर लीजिए, आज उसमें जो सुन्नत आपकी जिंदगी से पीछे हटी हुई थी आज उसको ऐड कर लीजिए, और आने वाले दिन में उसमें और इजाफा कर लीजिए। उन्हीं सुन्नतों की बात जो हो रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की, तो ये कह लीजिए जो तस्बीह, जिसको तस्बीह फातिमा आप कहते होते हैं, जो हर नमाज के बाद पढ़ी जाती है, हर नमाज के बाद भी पढ़ी जानी सुन्नत है, और रात को सोते वक्त पढ़ा जाना भी सुन्नत रसूल है। रात को सोते वक्त पढ़ लिया कीजिए बिस्तर पे लेटे हुए, सुबहान अल्लाही सुबहान अल्लाही सुबहान अल्लाही 33 बार पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये भी आपने 33 बार पढ़ना है, फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इसको भी आपने 33 बार पढ़ना है, और फिर आखिरी बार ला इलाहा इल्लल्लाह चौथा कलमा पढ़ लीजिए, वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, इसको भी पढ़ सकते हैं, ये आखिरी बार होता है। तो ये भी कह लीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सिर्फ अगर चंद चीजें ही हम पकड़ लेते हैं तो तब भी हमारे लिए कामयाबियां हमारे पीछे चल पड़ती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है आप जानते हैं, आपने सूरह बकरा पढ़ी थी, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की तरफ भेजा तो फिर कह लीजिए साथ ही कुरान की आयत उतरी थी, قل نحبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म हुआ कि अब आप यहाँ से चले जाइए और जमीन पे जाइए, वहां पे जो कोई हमारी दी गई हदायत की इत्तबा करेगा, हमारी दी गई भेजी गई हदायत की इत्तबा करेगा, उसके ऊपर कोई गम और खौफ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस हदायत को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें पहुंचा दिया, उस जरिए से हमारे पास ये कुरान पहुंचाया, और फिर उसके मुताबिक कह लीजिए हमें इत्तबा करनी है। अल्लाह का हुक्म है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, के अल्लाह की अतात कीजिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात कीजिए। हम अक्सर औकात कह लीजिए सुन्नत को पढ़ने से गुरेज कर रहे होते हैं, या हम सुन्नत के तरीके के चलने के फराइज को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन सुन्नत को एक कह लीजिए टेम्परेरी या ऑर्डरी जगह दे रहे होते हैं। कुरान का हुक्म होता है, जब कुरान का हुक्म आ जाए तो फर्ज होता है। अल्लाह का कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की अतात और अल्लाह के रसूल की अतात कीजिए। तो इसलिए आपके पास जो जो तरीका, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो लिया ही लिया, आप आगे भी तो देख लीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, सुन्नत का, तरीकत का सारा जिम्मा भी आपके पास पहुंचाने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या ही शानदार कह लीजिए उसका अहतमाम किया, कि कितने जो चार इमाम आप पढ़ते होते हो गुजरे हुए हैं, उन इमामों के जरिए से कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की हर हर बात को आप तक पहुंचाया, हालांकि उनके ऊपर कई जिंदगी के बड़े बड़े मुश्किल और मुश्किल तरीन दिन भी गुजरे हैं, और बड़ा बड़ा उनको कह लीजिए तकलीफ का भी सामना करना पड़ा है, इसलिए कि आकाए दो जहां के फरमान आप तक पहुँचाने थे, और उन्होंने क्या ही जिम्मा लिया और क्या ही हदीस रसूल को आप तक पहुंचाने के तमाम किए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या ही ड्यूटियां उनसे ली। अल्लाह करीम करोड़ों रहमतें भेजे उन इमामों के ऊपर जिन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हम तक पहुंचाने में इतनी कोशिशें की और इतनी काविशें की। और कह लीजिए हमारा मामला फिर वो कुछ ना नादानियों का ही आ जाता है, हम हदीस रसूल और फरमान रसूल को छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी ओपिनियन की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए बड़ा जानने वाला मामला है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपनाया जाए। एहसाए हासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आज अजब वक्त कड़ा है, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में आज गरीबुल गुरबा है, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को किस रस्म और रिवाज में छुपा दिया गया, मर्जी और ख्वाहिशों में छुपा दिया गया और ढांप दिया गया, और सुन्नत रसूल का एहतमाम नहीं किया जा रहा, सीरत रसूल के एहतमाम नहीं किए जा रहे, ये इनको कुछ दिनों पे महदूद कर दिया गया। हालांकि मेरे नबी की जात और मेरे नबी की शान तो वो है कि हम अगर 24 घंटे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते रहें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पढ़ते रहें, और फिर अजान के बाद भी हम दुआएं मांगते होते हैं, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुकाम वसीला पे पहुंचा दे जिसका तूने वादा किया है,
या अल्लाह तू अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं पढ़ते रहें। तो ये हमारे पास कह लीजिए, ये एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने पूछा था ऐ अल्लाह के हबीब, मेरे पास जो वक्त बचता है फराइज और इबादात के बाद, उस वक्त को मैं कितना सा वक्त है जो मैं दुरूद पढ़ने पे लगा दूं, क्या आधा वक्त लगाऊं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको बढ़ा लो तो बेहतर है। उन्होंने फरमाया फिर 3 गुना लगा दूं, फरमाया इससे भी बढ़ा लो तो बेहतर है। उन्होंने फरमाया मैं अपना सारे का सारा वक्त जो मेरे पास बचता है इबादात फराइज के बाद मैं दुरूद पढ़ने पर लगा दूँ, फरमाया अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे मामलात की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर चली जाएगी, तुम्हारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आसान होते जाएंगे। और अगर किसी को दुरूदे पाक पढ़ने से फुर्सत ना मिले कि वो दुरूदे पाक ही पढ़ता रहे और अपने लिए दुआ मांगने की फुर्सत ना मिले, तो यकीन जानिए आपकी छुपी ख्वाहिशें और जाहिर ख्वाहिशें दुरूदे पाक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी फरमा देता है और आपकी वो सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। इसलिए हमारे पास जो मामलात आपके आते होते हैं वो यही हैं कि आपने अपनी जिंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक डालना है। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आपने सुना और फिर उनके साथ कह लीजिए अय्याज का नाम भी आपने सुना है। तो ये मामला आपने नाम सुना, एक दफा सुल्तान महमूद गजनवी ने एक दफा दरबार लगाया और दरबार में एक बड़ा कीमती हीरा लाया गया और फिर सारे दरबार वालों को जो सुल्तान की तरफ से एक हुक्म दिया गया वो हुक्म ये था कि इस हीरे को तोड़ना है, उसका हुक्म था। बात को जारी रखेंगे, कॉलर मौजूद है हमसे बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछेंगे आप? हमने पूछा है नमाज तहज्जुद का तरीका किस तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको भी बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल पूछ रहे हैं। ये तो इरादे कर लेना और इन चीज़ों के बारे में सोच लेने से ही रहमतें नाजल होने लग जाती हैं। तहज्जुद आप जानते होते हैं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फराइज लगाए थे, फराइज पूरे करने के बाद ये बंदा अपनी मोहब्बतें लेके अपने रब के हुजूर में हाजिर होता है, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का नजूल आसमान दुनिया पे होता है और रब की तरफ से कह लीजिए एक निदा और एक सदा आती है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। ये वो वक्त होता है, कह लीजिए एक तो अक्सर हम बात करते होते हैं, एक तो वो टाइम होते हैं जो अल्लाह ने आपकी ड्यूटियां लगा दी, यानी माँ अगर किसी अपने बच्चे से मोहब्बतें करती है तो उसकी कोई ड्यूटी लगा देती है, तुम ये करो, बच्चा वो पूरी ड्यूटियां पूरी कर दे, और फिर माँ की तरफ से एक एक कह लीजिए एक राय मिले कि इस वक्त मैं फारग बैठी हूँ, तुम मेरे पास चाहो तो आ जाना। बच्चा अपनी ड्यूटियां पूरी करने के बाद उस वक्त माँ की झोली में जाके बैठ जाए, तो ये कौन सा टाइम होता है? ये माँ की मोहब्बतें समेटने का टाइम होता है। फिर ये कह लीजिए वो वही बात होती है कि जब हम अपनी औलादों से फिर वो सारे काम करके आके बैठे तो मोहब्बतें लेने के लिए तो हम कहते हैं जो तुम्हें पसंद है मैं वो तुम्हारे लिए आज वो बनाऊंगा, जो तुम पसंद करते हो आज वो होगा। तो वही कह लीजिए ये मेरे रब की तरफ से फिर सदाएं और निदाएं आती हैं कि जो मेरे बंदे को पसंद है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये जो तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह करीम कबूल फरमा ले सबके नवाफिल को, ये तो बहुत खूबसूरत सा आपका वक्त और आपकी सोच और आपकी एक बात है। तो तहज्जुद पढ़ना जैसे आप आम नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से होता है, 2-2 नफल होते हैं, आपने चाहे 2 पढ़ें चाहे 4 पढ़ें चाहे 6 पढ़ें चाहे 8 पढ़ें चाहे 12 पढ़ लें, ये इतने नफल आपके होते हैं। जितनी ज्यादा मोहब्बत और खुशू व खुजू से पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा बा अजर होगा। जैसे आप अपने ये नवाफिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए आपने पढ़ना है, आप अल्लाह अकबर कह के उसको जैसे नमाज पढ़ते हैं इसी तरीके से सुभानक अल्लाहुम्मा फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे सूरह फातिहा, और उसके बाद जो भी आपको कुरान की आयात आती हैं या सूरतें या दुआएं आती हैं उनको आप यहाँ पे पढ़िए और वहाँ पे लंबी किरत कोशिश किया कीजिए करने की, उसके बाद आपका रुकू सुजूद है और फिर उसी तरीके से आपकी अत्तहियात है, ऐसे ही है, कोई उसके लिए खास मुंतहिब कोई सूरत की बात नहीं होती है। जो मुख्तलिफ सूरतें आप पढ़ सकें, जितने लंबे सजदे कर सकें, जितनी लंबी आप कह लीजिए कि आप रुकू कर सकें वो किया करें, इसलिए कि ये नवाफिल हैं। सजदे में भी ज्यादा से ज्यादा तस्बीहात और ज्यादा से ज्यादा सजदे की दुआएं पढ़ा करें, अगर सजदे की दुआएं ज्यादा नहीं आती तो सुभान रब्बी अल आला
दिल से निकाल के ये तस्बीह पढ़ा करें। इसी तरीके से रुकू की बात आ रही है तो इसी तरीके से कह लीजिए आप अपने नौफिल को मुकम्मल कर लीजिए, दो पढ़िए चार पढ़िए जितने भी आप पढ़े, अल्लाह करीम कबूल फरमाए, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमाए। हम बात कर रहे थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतों की, तो मोहब्बत ये जो तहज्जुद का पढ़ना भी है ये भी कह लीजिए सुन्नत रसूल है, अगर हम इसको जारी कर लें तो ये हुब्बे रसूल में ही आता है। हम बात कर रहे थे पहले जो वाक्या कह लीजिए बयान हो रहा था, तो उसके ऊपर जब सुल्तान की तरफ से हुक्म आया तो सारे के सारे जो दरबारी थे उन्होंने उसको तोड़ने से इनकार कर दिया था, तो फिर कह लीजिए एक गुलाम अयाज ने तोड़ दिया। और जब जवाब पूछा गया तो उसने कहा था मेरे सामने दो चीजें थी, एक तो अपनी मर्जी थी और एक हुक्म आका का था, मैंने अपनी मर्जी को छोड़ दिया, आका का हुक्म ले लिया। हमें भी यही करना है, अगर गुलामों के नाम सुल्तानों के साथ आने लग गए तो उनके पीछे अतात आका की थी, हम भी अगर आका की अतात करें तो शफात हमारे नसीब होगी। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते जाइए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरे अज़ल तेरी जबी या रहमतल या रहमतल लिल आलमी, या रहमतल लिल आलमी।